दोस्तों, क्या आपको पता है 11 सितंबर 2001 को क्या हुआ था? यूएसए में वो आतंकवादी हमला जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। जो प्लेन ट्विन टावर से टकराया था उसमें कितने मुसाफिर थे, और जो पेंटागन में क्रैश हुआ था उसमें कितने मुसाफिर थे? जो दो प्लेन्स वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ट्विन टावर से टकराया था उसमें 74% और 81% सीटें खाली थी, और जो पेंटागन में क्रैश हुआ था उसमें सिर्फ 64 मुसाफिर थे जबकि सीटों की संख्या 289 थी। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है सिक्स्थ सेंस। हम सब ने कभी न कभी ऐसा फील जरूर किया होगा, जब हम किसी अपने के बारे में सोचते हैं तो उसका उस वक्त या कुछ देर बाद फोन आ जाता है। जब हम किसी दोस्त को फोन करते हैं तो उधर से जवाब आता है, यार मैं तुझे ही याद कर रहा था। ऐसा नहीं है कि सभी लोग झूठ बोलते हैं, कुछ सच में हमें याद कर रहे होते हैं जो हमारे दिल के करीब होते हैं। कुछ पढ़े लिखे लोग इसे कोइंसिडेंस कहते हैं, लेकिन हम सब ने ये भी फील किया होगा, जब हम अपने घर के बारे में सोचते हैं तो कभी कभी उधर से फोन आ जाता है। इतनी सारी कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकती। इसके पीछे एक बेहतरीन सबब है, हमारा इंट्यूटिव माइंड यानी सिक्स्थ सेंस। तो जो प्लेन्स दहशतगर्दों ने 2001 में यूएसए में क्रैश करवाए उसमें इतने कम मुसाफिर क्यों थे? हो सकता है बहुत लोगों ने उस दिन अपना प्लान कैंसिल कर दिया होगा या अपना इरादा बदल लिया होगा। ये सब इंट्यूटिव माइंड यानी सिक्स्थ सेंस का ही करिश्मा हो सकता है। 40-50 साल पहले जब हिंदुस्तान में कम्युनिकेशन के लिए ज्यादा साधन नहीं थे, लोग अपने रिश्तेदारों से चिट्ठी लिखकर बातें करते थे। ना टेलीफोन था ना मोबाइल। गांव से छोटे शहरों से लोग बड़े शहरों में रोजगार के लिए जाते थे। जब कभी उनके घर कोई हादसा होता, चाहे खुशी का या गम का, वे लोग बड़े शहरों से पहले या बाद में अपने घर पहुंच जाते थे। चिट्ठी को पहुंचने में 10 से 20 दिन लगते थे। उस वक्त के लोगों का कहना है कि उन्हें अंदेशा होता था कुछ होने वाला है या हुआ है। उन दिनों ये बातें आम थी और लोग इसको बिना सवाल जवाब किए मानते भी थे। पर जैसे जैसे डेवलपमेंट होते गया, मशीनें बनती गई और लोगों का इन सब चीजों से भरोसा उठता गया। अभी हमारे पास मोबाइल है, लैपटॉप है, कैलकुलेटर है, इंटरनेट है। हम मीलों दूर बैठे शख्स से सेकंड में कांटेक्ट कर सकते हैं। सच कहे तो हम अपने दिमाग का इस्तेमाल करना कम कर दिए हैं। आइए एक छोटा सा गेम खेलते हैं। एक टेबल पर दो कैलकुलेटर रखते हैं और साथ में दो चेयर भी लगाते हैं। एक चेयर पर वो इंसान बैठता है जो 1990 के पहले पैदा हुआ, और दूसरी पर वो जो 2000 के बाद। एक सिंपल सा सवाल पूछते हैं, 7+2-4+2। आपको यह देखकर हैरानी होगी कि 2000 के बाद वाला शख्स तुरंत कैलकुलेटर उठा लेता है, जबकि 1990 से पहले वाला बिना कैलकुलेटर के जवाब दे देता है। 1968 में रोजर स्पेरी नाम के एक रिसर्चर ने स्प्लिट ब्रेन पर रिसर्च की थी। उन्होंने कहा कि हमारा लेफ्ट ब्रेन लॉजिकल होता है और राइट ब्रेन इंट्यूटिव। हमारी सिक्स्थ सेंस, हमारी इंट्यूशन राइट ब्रेन में होती है। 1904 में एक इंग्लिश राइटर H.G. वेल्स ने एक कहानी लिखी थी, द कंट्री ऑफ द ब्लाइंड। पहाड़ों के बीच में एक घाटी होती है जहां के सभी लोग अंधे होते हैं। बहुत साल पहले किसी अर्थक्वेक की वजह से इस घाटी का संपर्क बाकी दुनिया से कट गया, और किसी डिजीज की वजह से वहां के लोगों के आंखों की रोशनी चली गई। अब उनके पास बस 4 सेंसेज ही थे। देखना क्या होता है वे भूल चुके थे। नूनेज नाम का एक माउंटेनियर था जो पहाड़ का वह चोटी फतह करना चाहता था जिसे आज तक किसी ने नहीं किया था। इस चक्कर में वो पहाड़ के दूसरी तरफ एक घाटी में फिसलकर गिर गया।
वहां के सभी लोग अंधे थे। नूनेज ने एक नया कंट्री डिस्कवर किया था। लोगों को देखते ही उसके दिमाग में एक फ्रेज याद आया, अंधों के देश में काना राजा। और उसके पास तो दो आंखें थी, अब वो वहां का राजा बनने का सोचने लगा। जबकि वहां के लोग उसे बोलता, उधर मत जाओ तालाब है, उधर मत जाओ जंगल है, इस रास्ते से सीधा चलो। नूनेज का जवाब होता था, मैं देख सकता हूं। ऐसे ही कुछ दिन चलता रहा। वहां के लोग इसे पागल समझने लगे, अजीब आदमी है, हर बात में देखने की बात करता है, लगता है इसे देखने की बीमारी है। नूनेज को याकूब की बेटी से मोहब्बत हो गया, जिसके यहां वो काम करता था। वो याकूब के पास शादी का प्रपोजल लेके गया। याकूब बोला, मैं किसी बीमार आदमी से अपनी बेटी की शादी नहीं कर सकता, पहले अपने देखने की बीमारी का इलाज करवाओ। बहुत सोचने के बाद नूनेज मान गया। याकूब की बेटी मीडियन से प्यार जो करता था। दो सर्जन बुलवाए गए। कल सुबह का वक्त तय हुआ ऑपरेशन के लिए। नूनेज कंफ्यूजन में था। जिन आंखों से देखकर मीडियन को प्यार किया था, कल वही आंखें चली जाएगी। बहुत टेंशन में था वह। फिर वो रात में ही पहाड़ की ओर भाग गया और उस पर चढ़ने लगा अपनी दुनिया में जाने के लिए। दोस्तों, यह कहानी यही बताती है, चार सेंसेज वाले 5 सेंसेज वाले को पागल या बीमार समझते हैं। हमारी इस दुनिया में भी 5 सेंसेज वाले लोग किसी 6th सेंस वाले का मजाक उड़ाते हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी कहा था, इंट्यूटिव माइंड इज अ गिफ्ट एंड रैशनल माइंड इज अ सर्वेंट। वी हैव क्रिएटेड अ सोसाइटी दैट ऑनर्स द सर्वेंट एंड हैज फॉरगॉटन द गिफ्ट। तो अगले बार जब आपको अंदर से कुछ फील हो, उसे सिर्फ एक कोइंसिडेंस मत समझो, ट्रस्ट करो अपनी 6th सेंस पर। हो सकता है यह आपका सबसे पावरफुल टूल हो। बहुत बहुत धन्यवाद।